नमस्कार, आज एक विषय पर चर्चा करते हैं, वो है ओबेसिटी यानी के मोटापा, वेट का अधिक होना। मोटापे की समस्या से बहुत बड़ी संख्या में लोग इफेक्टेड हैं और ओवरवेट होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, डायबिटीज, हाइपोथायरॉइडिज्म, अर्थराइटिस, फैटी लीवर, बहुत लंबी लिस्ट है, सब लोग जानते हैं। हार्ट डिजीज बहुत कॉमन कॉज है ओबेसिटी। इनके क्या कारण, क्या ये वो इस विषय पे नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी में आपको अपने खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है। बिल्कुल आसान है, मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि वेट कम करना सबसे आसान काम है, उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना होता। कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम एक एक करके आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि जो ये कंसेप्ट आजकल देखने में आया है कि स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंटली लेते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में खाते पीते रहो। अब सही गलत नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आप अपने मील्स का नंबर कम करो, मील्स की क्वांटिटी को भी रिड्यूस करो। नंबर कम करने से मतलब ये है कि कुछ वर्षों पहले तक लोग सुबह और शाम केवल दो बार खाना खाते थे, अभी भी आपको दो बार ही खाना खाना चाहिए, और दो से भी कम अगर खाएंगे तो अच्छी बात है। अगर बहुत ज्यादा मोटापा नहीं है तो आप 4 घंटे से पहले कुछ भी दोबारा मत खाइए, या कुछ भी पीने की चीज मत पिए पानी के अलावा, दूध, चाय, जूसेस, कुछ भी, चाहे थोड़ा सा कुछ टेस्ट करने के लिए भी क्यों ना हो, वो आपको 4 घंटे से पहले नहीं खाना या पीना, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक भोजन के पचने से पहले दूसरा भोजन जाएगा तो ना तो वो पचेगा और मोटापे का कारण बनेगा, वो एक अलग से। दूसरी बात यह है कि जो हाई कैलोरी डाइट है, हाई कैलोरी डाइट से क्या अभिप्राय है, जैसे कि अपना मीठा, किसी भी चीज में मीठा है, फैट्स, घी, तेल जैसी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेज डाइट, फास्ट फूड, इनको बिल्कुल हटा दो। अगर वेट रिड्यूस करना है तो इनको आप बिल्कुल हटा दो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसके अलावा जो रूटीन में खाने पीने की चीजें हैं, लोग बोलते हैं कि राइस खाने से वेट बढ़ जाएगा या ये वो, ऐसा नहीं है। आप कम मात्रा में चावल खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कम मात्रा में आलू भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही खाएंगे तो वो हाई कैलोरी डाइट के रूप में चली जाएगी। अगर सारी बात का एक निचोड़ समझें कि वेट रिड्यूस करने के लिए कितना खाना है, देखो नाप के तोल के इसमें इतना कैलोरी, इसमें इतना कैलोरी, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। देखो, आप में से बहुत लोग नेचर क्योर सेंटर में जाते होंगे, कोई कहीं ऐसे सेंटर पे गया है जहां पे बहुत अच्छा डाइट एंड वो सब मैनेज करके उन्होंने 2-5 किलो वेट लूज किया होता है। लोग 10-10 किलो वेट लूज करके भी लौट के 1 महीने में घर पे आते हैं और उनका वेट फिर पुट ऑन हो जाता है। कोई भी ऐसा कार्य है जो फैमिली के बाकी सब लोगों के डाइट शेड्यूल से डिफरेंट है तो वो लगातार फॉलो नहीं किया जा सकता। तो अभी मैं आपको वो जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप घर में रह के जो घर के बाकी लोग, फैमिली के बाकी लोग खाते पीते हैं, उसी डाइट को कैसे और कितना खाएं आपका वेट लूज हो जाएगा। तो
कुछ अलग से खाओ, ये खा लो तो वेट लूज, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग सवाल कर लेते हैं कि हमने जी वेट लूज करना है, हम क्या खाएं? क्या खाएं नहीं, क्या क्या न खाएं, उससे लूज होगा। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से और कितना खाएंगे तो ये आपका वेट लूज हो जाएगा। एक बात को समझो, सब लोगों की कैलोरी कंजम्पशन रेट या बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट है। वही खाना खा के एक व्यक्ति का वेट बढ़ रहा है, उतना ही खाना खा के एक दूसरे व्यक्ति का वेट नॉर्मल रहता है। ये क्या है? ये उनकी शरीर की प्रकृति है, ये उनके शरीर की बनावट है, ये उनका मेटाबॉलिज्म है। तो उस पे कि भी हाँ इनका ये है तो हम भी उतना ही तो खा रहे हैं तो हमारा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हम क्या करें? नहीं, हमें अपने शरीर को समझते हुए खाना खाना है। जैसा अगर सफर 1 किलोमीटर का है, किसी को फास्ट चलने की नेचर है, कोई स्लो चलने की नेचर वाला व्यक्ति का है, अगर एक सही टाइम पे पहुंचना है तो जो स्लो चलने वाला है उसको थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, यानी कि टाइम से पहले चलना पड़ेगा, तभी वो अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम पहुंचेगा। तो यहां वेट के मामले में क्या, हमें यह नहीं देखना कि हम इतना खाएं, हमें अपने शरीर को देखते हुए खाना है। अब शरीर को कैसे देखते हुए खाएं? वो ये है कि आप अपना वेट ले लो और वो जो वजन है ना, अब इतना कम करो कि वजन कम होना शुरू हो जाए। जैसे आपने अपने डाइट को 5% कम किया, वेट कम हुआ? नहीं हुआ। आपने फिर 10% कम कर देना, कम हुआ ठीक है, 2-4 किलो कम होके फिर स्टेग्नेटेड हो गया, रुक गया वेट कम होना। आप अपनी डाइट को और कम करें और वहां तक कम करते चले जाएं जहां पे आपका जो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग, आपकी एज, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए। जब तक वो वेट अचीव नहीं हो जाए, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, तब आप नॉर्मल रखने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। ऐसा करने से आपका वेट रिड्यूस निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर बहुत ओवर वेट वाले लोग हैं, जैसे कि जिनका होना चाहिए वेट 50-55 kg, कोई फीमेल, एक नॉर्मल हाइट की फीमेल का वेट 52-55 होना चाहिए और वेट है 197, ऐसा कुछ, उनके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या खाएंगे तो कैसा रहेगा। नंबर 1, उनको सिंगल मील लेना है। वो मील लेना चाहिए सुबह के समय, यानी कि राइजिंग सन के दौरान आपको वो फर्स्ट मील ले लेना है, और उस मील में केवल एक चपाती, एवरेज साइज की चपाती, सब्जी, सलाद, खूब सारा सलाद, और छोटा कटोरी में दही, और ये सब ले सकते हैं। मतलब वो एक कंप्लीट मील हो गया जिससे आपको मन में लगेगा कि यस मैंने खाना खाया है। ये हो गया आपका सुबह का खाना। अब क्योंकि आदत है दोपहर को खाने की और ये सब, तो दोपहर को केवल एक फ्रूट खा लेंगे, एक एप्पल या उस एप्पल के इक्वलेंट जो भी कुछ हो सकता है उतना फ्रूट आप ले लेंगे। ये हो जाएगा दोपहर का खाना, और उस फ्रूट को भी पतली पतली स्लाइसेस काट के धीरे धीरे खाना है, 5-10 मिनट में फिनिश करना है, सो दैट कि आपको लगे कि यस मैंने दोपहर का खाना ले लिया है। रात में कच्ची चीजें, फ्रूट, सैलेड्स अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होते हैं इसलिए, और अदरवाइज भी जो आपको फील आना चाहिए कि यहां मैंने कुछ खाया है, जो घर में शाम को सब्जी बनती है, दाल बनी, कोई सब्जी बनी, नहीं तो सूप ले लो या कोई सब्जी उबाल के खा लो, ये है आपका रात का खाना। इसके अलावा ना मीठा है कहीं, ना मिठाइयां हैं, ना ड्राई फ्रूट्स हैं, ना मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स और सैलेड खूब सारा खिला रहे हैं। हम आपको केवल कैलोरी कम वाला खाना रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ना लो, अनाज ज्यादा ना खाओ। ये सब करने से आपका वेट कम होने लग जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप इतना सा खा के भी आपको लगेगा नहीं कि कोई वीकनेस है, आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो दे रहे हैं ना सब कुछ आपको,
जो लोग बहुत शरीर से मेहनत नहीं करते हैं, फिजिकल लेबर ज्यादा नहीं करते हैं, उनको कैलोरी की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। डाइट मोर इम्पॉर्टेंट है देन एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि खाना हम दिन में 3 बार खाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर हो ही नहीं सकती, कितना भी कोई कोशिश कर ले, कितने घंटे कोई कर लेगा। और उसमें भी जो बर्निंग ऑफ कैलोरी है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। आपने अगर एक कप मीठी चाय भी पी ली है ना, तो भी काफी सारी कैलोरी चली गई, ऐसे ही छुप छुप के कैलोरी बॉडी में जाती रहती है, जो आपकी मेहनत को बेकार कर देती है। तो फिजिकल एक्टिविटी करो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो की फैक्टर नहीं है। की फैक्टर क्या है? की फैक्टर है आपकी डाइट को इस तरह से बैलेंस करना कि वेट रिड्यूस हो जाए। वो किसी के देखा था कि नहीं है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग तय करना आपने। देखो सिंपल है, कैलोरी इनपुट कैलोरी आउटपुट, अगर कैलोरी आउटपुट ज्यादा है, इनपुट आपका स्टेबल है, तो वेट कम हो ही जाना है। हम कैलोरी बर्निंग को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो कैलोरी इनपुट को यानी कि खाए जाने वाले भोजन को मैनिपुलेट कर लो, उस पर ध्यान दे दो, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। वेट को कम करना इस तरह से एक बिल्कुल ही आसान सा कार्य है। जो सिंपल है उसको फॉलो किया जा सकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़े दिन के लिए फॉलो किया जा सकता है, बाद में फेल हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे मेरे अनुभव के आधार पे सिंपल डाइट मैनेजमेंट बताई है, जो कि आपके बढ़ते हुए वेट को रोकेगा, और अगर बढ़ गया है वेट तो कम करेगा। बाय द वे, आपका वेट 50 के आसपास आकर के, अगर इफ यू आर फीमेल, थोड़ा ज्यादा कम हो गया है तो थोड़ा सा खाना बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन 55 पे आके रुक जाता है, इतनी ही डाइट की जरूरत है। मैंने अनेक पेशेंट्स में देखा हुआ है ये, बल्कि अगर वो खाने पीने में जरा सा भी अपना लापरवाह हो जाएंगे, चाहे हफ्ते में एक बार फास्ट फूड ही क्यों ना खा लेंगे, तब भी वेट बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह इन साधारण सी चीजों को आप अपने जीवन में अपना करके, फॉलो करके अपने वेट को अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, और वेट रिड्यूस होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारियां होने से बचेंगे आप, और आप लंबी उम्र जिएंगे और खुशी खुशी जिएंगे, इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप सदा सुखी रहें, सदा स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।